रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिग बॉस की, UK07 राइडर की और सौरभ जोशी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बिग बॉस ने टिकट टू फिनाले टास्क दिया था, जिसमें टीम सी यानी एलविश, बेबिका और जिया जीत गए थे। तो बिग बॉस ने इन तीनों के बीच टास्क रखा है और जो भी उस टास्क को जीतेगा उसको टिकट टू फिनाले मिल जाएगा। सो बेसिकली ये टास्क ऐसा था कि इन तीनों की टॉय शॉप होगी और उन टॉय शॉप के सामने वेयर हाउस होगा और बिग बॉस टाइम टू टाइम पे शिप की आवाज निकालेंगे और उन तीनों को उस वेयर हाउस में जाना है और टॉयज लेके आना है अपनी दुकान में भरने के लिए। और साथ में बिग बॉस बाकी घर वालों को मोती देंगे, फिर एक बच्चों की आवाज आएगी जिससे दुकानें खुल जाएंगी और जो बाकी घर वाले हैं वो अपनी मनपसंद दुकान के पास जाके मोती के बदले टॉय ले सकते हैं। और दुकानदार को अपने कमाए हुए पैसे यानी मोती अपनी दुकान के स्टील के कंटेंडर्स में रखना है और जब शट की आवाज आएगी तो दुकानें बंद हो जाएंगी और जो तीनों जने हैं वो दुकान से बाहर आ जाएंगे और जो बाकी घर वाले हैं वो तीनों की दुकान पे डाका डाल सकते हैं और एक दुकान का मोती और सामान वो दूसरी दुकान में शिफ्ट कर सकते हैं। वो जब तक कर सकते हैं जब तक बच्चों के रोने की आवाज नहीं आती। और जिसके पास लास्ट में सबसे ज्यादा मोती होगा वो ये टास्क जीत जाएगा और सीधा पहुंच जाएगा फिनाले में और उसको इस हफ्ते की कैप्टन से भी मिल जाएगी। सो दोस्तों, बेसिकली इस टास्क में मोती कलेक्ट करने थे, जिस दुकानदार के पास सबसे ज्यादा मोती होंगे वो ये टास्क जीत जाएगा। तो ये टास्क वैसे कंप्लीट हो चुका है और जिया और एलविश के पास 58-58 मोती थे, तो इसका मतलब ड्रॉ हो गया था। तो बिग बॉस ने बाकी घर वालों से पूछा कि इन दोनों में से किसको टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए। तो बाकी घर वालों ने बोला कि किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो बिग बॉस ने इन दोनों का टिकट टू फिनाले कैंसिल कर दिया और किसी को भी टिकट टू फिनाले नहीं मिला। और साथ ही में बिग बॉस ने यह भी कहा कि अभी इस घर का कोई भी कैप्टन नहीं है, शायद से कल कैप्टनसी का टास्क हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं UK07 राइडर की। तो उन्होंने एलविश यादव के सपोर्ट में कुछ कहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि UK07 और आमिर माजिद की कंट्रोवर्सी हुई थी और जब एलविश यादव ने UK07 को सपोर्ट करा था, तो इसी पे UK07 राइडर ने कहा है कि एलविश यादव ने मेरे बुरे समय में सपोर्ट करा था जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे और जब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट करा था इसलिए मैं भी अब राव साहब पे एक सॉन्ग लाने वाला हूं। तो यार ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को पता है हमारे भाई राव साहब, एलविश भाई अभी बिग बॉस में OTT के अंदर, एंड द थिंग इज जब मेरा मुश्किल टाइम था ना तो ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। वो जानते भी नहीं थे उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा था। अभी हमारी भाई गाइस अपने भाई को सपोर्ट करने की। मैं सोच रहा हूँ एलविश भाई के सपोर्ट में एक गाना ड्रॉप करते हैं सिस्टम, और अगर इस स्टोरी पे 20,000 सिस्टम ड्रॉप कर दोगे मैसेज आते हैं, सो वी विल ड्रॉप दिस सॉन्ग राइट नाउ। मैं अनाउंस करता हूँ अगली स्टोरी में आई विल ड्रॉप इट। 20,000 सिस्टम हैंग के मैसेज और एलविश भाई को फुल सपोर्ट राव। तो दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही 20,000 मैसेज आ गए थे तो उन्होंने प्रोमो आउट कर दिया और उन्होंने कहा कि इस प्रोमो पे अगर 2,00,000 कमेंट हो जाएंगे तो वो आज ही राव साहब का गाना रिलीज कर देंगे। तो यार प्रोमो ड्रॉप कर दिया मैंने सिस्टम का, 2,00,000 कमेंट ब्रो सेना और एलविश राव आर्मी, राव साहब की आर्मी ब्रो सेना, 2,00,000 कमेंट और हम लोग गाना ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि गाना कैसे लगा और फिर हैंग करते हैं सिस्टम। फुल सपोर्ट राव साहब, फुल सपोर्ट। तो अपडेट देता हूं सौरभ जोशी की। तो सौरभ जोशी ने कल अपने चैनल पे एक वीडियो डाली, उनका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, बच गए। तो बेसिकली उनका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।